5 है 2019 में, जिसके तहत आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये जो प्रोग्राम आज हमने किया है, इसका जो मूल उद्देश्य था, एक तो नॉमिनेशन हमने ऑफिशियली अनाउंस किया है आज, सेकेंडली हमने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। वुमेन ऑफ़ द फ्यूचर अवार्ड सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन बन के ना रह जाए, ये हमारी शुरू से कोशिश थी कि हम लोगों के साथ जुड़ें, सिर्फ इसको एक अवार्ड फंक्शन ना बनाए रहने दें। इसके तहत आज हमने 3 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। वुमेन ऑफ़ द फ्यूचर अवार्ड द गर्ल एजुकेशन, जिसमें हम आर्या कॉलेज के साथ मिलकर के कुछ ऐसे बच्चों को चुनेंगे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सुविधाओं के चलते, अभावों के चलते वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आर्य कॉलेज के साथ मिलकर के उन बच्चों की एजुकेशन पे वर्क करेंगे। द कनेक्ट करके एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र से कुछ ऐसी महिलाओं को चुनेंगे जो अच्छा काम कर रही हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या कुछ ऐसी बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं उन बच्चियों को हम फ्री एजुकेशन देंगे। एक द सेमिनार करके हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम सेमिनार्स आयोजित करेंगे वुमेन हेल्थ के ऊपर, स्पेशली कैंसर के ऊपर। तो इस तरह से आज हमने ये 3 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। इसके अलावा ग्रो करके आज हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोटफा। इसके तहत हमने वुमेन ऑफ़ द फ्यूचर अवार्ड्स को इंटरनेशनली कनेक्ट किया है। लास्ट ईयर हमारे पास इंटरनेशनली काफ़ी सारे नॉमिनेशन आए थे, जिनमें से कुछ अवार्डीज़ भी थे, और उन अवार्डीज़ से जब हमने बात की तो हमें ये पता चला कि बाहर भी इंडियन कम्युनिटी की लेडीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो चाहती हैं कि उनको एक पहचान मिले अपने देश के अंदर। तो हमने जर्मनी, लंदन और हंगरी में अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए हैं, और आगे आने वाले समय में हमारा जो प्लान है वो है 15 कंट्रीज़ के अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करें, जो कि वहाँ पे वोटफा को लेके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, और जो वहाँ पे NRI इंडियन लेडीज़ हैं उनके नॉमिनेशंस फाइल करने में उनकी हेल्प करेंगे। इस तरह से आज हमने, इसके अलावा हमने राजस्थान के स्टेट में भी रीजनल चैप्टर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें कि रीजनल हमने रिप्रेजेंटेटिव अपने अपॉइंट किए हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र से नॉमिनेशंस और छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि सचदेवा, मिसेस यूनिवर्स यूरोएशिया, एंड आई एम विद वोटफा सिंस द टाइम दे स्टार्टेड विद द अवार्ड्स, व्हिच इज नाउ दिस वुड बी द 3rd सीजन, एंड दिस इज द मोस्ट जेन्युइन एंड अनबायस्ड अवार्ड सेरेमनी which I have come across. You know, I've attended more than 200 award ceremonies. This is one award right from the nominations to the checking, to the voting, to the announcement. Everything is online. You know, nothing, there's no hanky-panky in this award. So, as I say, most genuine awards. And, you know, we are giving platform to all the ladies all over the, you know, earlier it was all over India, now it is all over the world. They can come forward and, you know, come and, you know, get awarded in this platform. Today we have launched international chapters also, so that women internationally also can come and, you know, get associated with us and, you know, be a part of this prestigious award ceremony. Women of the Future Award VOTFA अब globally grow हो रहा है, इसीलिए हमने एक program launch किया है इस साल grow, जिसका full form है Global Representation of VOTFA. सन 2015 से जब से हमने program शुरू किया है, उसके अगले साल से ही हमारे पास इंटरनेशनल लेवल से नॉमिनेशंस आने शुरू हुए थे। कई कंट्रीज से नॉमिनेशन हमारे पास आए, हमने हर साल कई विदेशी भारतीय मूल की महिलाएं जो विदेशों में अच्छा काम कर रही हैं उनको हमने कई सम्मानित भी किया। अब चूंकि कुछ कंट्रीज़ जैसे लंदन, जर्मनी और बुडापेस्ट हंगरी, USA से नॉमिनेशंस बहुत आ रहे हैं और भारतीय मूल की बहुत महिलाएँ हैं वहाँ जो अच्छा काम कर रही हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग वोटफा को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, वो वोटफा में जुड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ग्रो की लॉन्च करी है। ग्रो के अंतर्गत हमने अभी फर्स्ट फेज़ में जर्मनी में मिसेस अरुणा नार्लिकर और लंदन से मिसेस कविता शर्मा और बुडापेस्ट से टोजियर हंजालका को हमने हमारे इसमें ग्रो में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, जो इन कंट्रीज़ में ग्लोबली वोटफा को प्रमोट करेंगी।